हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में बीजेपी इस बार नए प्रयोग के साथ इतिहास रचने जा रही है। बीजेपी 30 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ विशाल जनसभाएं कर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 30 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ कई अन्य स्टार प्रचारक हिमाचल में अलग अलग स्थानों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी का 5 और 9 नवंबर को हिमाचल का दौरा संभावित है। सुरेश कश्यप ने पार्टी से बगावत करने वालों को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी से कोई बगावत करता है तो पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। उसमें हमने तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय दर्शी जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अविनाश राय खन्ना जी, मंगल पांडे जी, तेजस्वी सूर्या जी, वांती श्रीनिवासन जी, साथ में श्री डॉक्टर संबित पात्रा जी, श्री दुष्यंत गौतम जी और इसके अलावा अन्य हमारे कई जो स्टार प्रचारक हैं, इन हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हो और चुनाव का जो विजय संकल्प अभियान जो हमने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम प्रदेश में विराजमान करें, उस दृष्टि से एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जोरदार ढंग से हम शंखनाद कर सकें, उसके लिए हमने विभिन्न नेताओं को हिमाचल प्रदेश में आमंत्रित किया है और ये नेतागण हर विधानसभा क्षेत्र में जो है जनसभाएं करें।